वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। हेलो 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 एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। मेरी क्या हैंडराइटिंग खराब थी? तो सेम लाइन बोल रही है तू? नहीं अरे नहीं नहीं अरे कपिल शर्मा आपकी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है, मैंने आपका ट्वीट देखा था। अब आप बिल्कुल भी मेरे मुंह लगने की कोशिश मत कीजिएगा, ओके? इसके मुंह बारी में क्यों लूंगा, इसका बॉयफ्रेंड इसका मुंह नहीं लगता, मैं भी लगूंगा। वाह 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 वा। पहले ना फायर ब्रिगेड को बुला और अपने अंडर आर्म्स धुलवा पहले तो। जब भी हाथ उठाती रहे ऐसे लगता गंदा नाला पास आ रहा है, इतनी गंदी स्मेल आती है। देखिए कपूर शर्मा आप जो भी कटाक्ष करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन इस शो को मैं ही होस्ट करूं क्योंकि आज गेस्ट को भी मैं ही लेकर आई हूं। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो हमारे गेस्ट हैं, ओके खेलना उनकी आदत है, ओके और ज्यादातर खेलते खेलते वो इतने लंबे लंबे छक्के लगा देते हैं कि हम उसे अट्ठा भी कह सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम युवराज सिंह। मैं तो फूले नहीं समा रही हूँ। और कितना फूलेगी तू? कस के गले मिल रही कैसे? उस दिन नवाजुद्दीन आए थे आप इतना कस के उनसे गले मिल रहे थे, मैंने आपसे कुछ कहा? वो तो मेरे भाई जैसे, वो तेरे भाई जैसे? नहीं ये तो मेरे हाथ से निकले बॉयफ्रेंड जैसे हैं। नहीं लेकिन मैं आपको सच में बताऊं कि हम दोनों के बीच में ना एक 50-50 का रिश्ता है। अच्छा 50% तो मैं बहुत खुश हूं कि मेरे कहने पे आप यहां पर आ गए जी। लेकिन 50% मैं आपसे नाराज भी हूं। क्यों? क्योंकि आपने क्या एंगेजमेंट कर लिया और मुझे कंसीडर भी नहीं किया। तुझे कंसीडर किया था, इनको बाली टापू ज्यादा अच्छा लगा, इन्होंने वहां पे जाके एंगेजमेंट कर ली। मैं एज फ्यूचर वाइफ कंसीडर करने की बात कर रही हूं। क्या फ्यूचर वाइफ? इस बात पे ना मैं तेरे प्रेजेंट पे कंटिन्यूस मुक्के मार सकता हूँ। बढ़िया बात की तो है। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? कोई पैसा देता है आपको? खैर चलिए रहने दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ कि मेन पॉइंट क्या है, मैंने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है। आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी, जो दुनिया भर में कोई नहीं जानता जिसे, उन्होंने यहाँ पर एक नई स्कैनिंग मशीन खरीदी अपने हॉस्पिटल में और हम चाहेंगे कि उसका उद्घाटन इनॉग्रेशन आप अपने हाथों से करें। जरूर भाई चेक कर लेना चलती भी है कि नहीं, ये झूठ बड़ा बोलते हैं लोग। ये टाइप के लोग होते हैं, जब अंडरवेयर भी खरीदने जाते हैं ना तो इलास्टिक चेक करने के लिए यूं खींच खींच के खींच खींच के। ये अंडरवेयर खरीदने के बाद आपको पहननी है ना या गुलेल बना के आपको पत्थर मारने उससे? अच्छा हम तो खींच के देखते हैं ना, ये तो खींच के भी नहीं देख सकती क्योंकि खींचता आदमी इतना तो कोई खींच ही नहीं सकता ना। ये तो दो आदमी पकड़ते हैं किधर से, फिर दूसरा भाग के जाता है उधर से, फिर ये छलांग लगाती बीच में। वो खुद ही हंस पड़ी है। आप ये इसका अंडरवेयर ना जो आप नीचे से सिल दो ना, आप 200 क्विंटल गेहूं भर सकते हो उसमें। अगर आपको लगता है कि ये मशीन काम नहीं करती है तो हम डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। मैं इस मशीन में घुस जाती हूँ, आप देखिए अच्छा खासा काम करती है ये। आइए ला भाई, मशीन बंद होगी। वेल मच्छी घुसने लगी अंदर। देखते सही, देखिए जरा। ओह ये पेट में क्या क्या स्टोर करके रखा तूने? ये तो कन्फेक्शनरी की दुकान लग रही है, पूरी बेकरी है। ये तेरे पेट में कैंची क्या कर रही है? ओ क्या होता है ना डॉक्टर मशहूर गुलाटी, कई बार जब ऑपरेशन करते हैं तो मरीज के पेट में कैंची भूल जाते हैं, तो इसलिए सेफ्टी के लिए एक मैंने अपने पेट में ही रख ली है। एक बात बता बंपर, तेरे पेट में बल्ब क्यों है? तेरे लीवर को कौन सा पढ़ लिख के जॉनी लीवर बनना है? क्या है ये? अब आपने देख लिया कि मशीन चल तो रही है।
खैर क्योंकि ये मशीन चल रही है, मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी को एक बार बुला के लाती हूँ, क्योंकि उसके बाद इनॉग्रेशन तो आप ही के हाथों से होना है। ओके, आप यहाँ पे इंतजार कीजिएगा, मैं लेकर आती हूँ डॉक्टर। अरे हाँ हाँ प्लीज दबा लप बदतमीज। एक बार यूवी पाजी के लिए जोरदार तालियां। यूवी पाजी, आपको सबसे पहले तो डबल बधाई। थैंक यू। एक तो आपकी सगाई हो गई है जी, और दूसरा आपकी एक फैशन ब्रांड जो है यूवी पाजी ने लॉन्च किया है, यूवी कैन। पाजी, यूवी कैन के बारे में हमें कुछ बताइए, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ यूवी कैन एक फाउंडेशन है जी, जिसमें कैंसर पेशेंट्स जो हैं उनको अवेयर किया जाता है कैंसर के बारे में, और उनकी हेल्प की जाती है, और बहुत सारे फंड्स इकट्ठा करके कैंसर पेशेंट्स की हेल्प करते हैं। तो ये जो यूवी कैन फैशन ब्रांड है, ये किस तरीके से एसोसिएट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आई एम ऑल्सो वेयरिंग यूवी कैन्स। थैंक्स। अरे इतने सुंदर आपको भी पहले लगे नहीं, बट जैकेट बहुत अच्छी लग रही है आज। यही तो बात है, यू एंड मी, यू वी कैन, हम खूबसूरत दिख सकते हैं। हमारा जो आम आदमी है उसके लिए इंश्योरेंस नहीं है हेल्थ की जी। आई थिंक अभी जो बच्चे जिनको कैंसर हुआ उनके माँ बाप ने वो पैसा खर्च किया उनके इलाज के लिए, तो अभी वो जब वापस अपने पैरों पर खड़े हुए तो उनके पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है। तो हम 25 बच्चे ऐसे हेल्प करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जितने ज़्यादा फंड्स आए हमारे पास 100-150 बच्चों हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कर सकें, जो कनेक्ट है लोगों के साथ कि यू वी कैन फाइट टुगेदर। सो इफ़ पीपल अंडरस्टैंड के जब भी ये कपड़ा खरीदे हम किसी की जान बचा रहे हैं, हम किसी की लाइफ के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो आई थिंक ये मोटिव था यू वी कैन का। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाजी आप, क्योंकि हम और भी बहुत सारे ब्रांड्स खरीदते हैं जिनका पैसा शायद डायरेक्ट विदेशों में जाता है, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है भाजी आपकी तरफ से कि आप जो भी इस ब्रांड के जो कपड़े खरीदेंगे उसमें से जो भी प्रॉफिट में से जो हिस्सा होगा वो कैंसर पेशेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। लोगों की दुआएं हैं भाजी आपके साथ, और इस ब्रांड को बहुत प्यार मिलने वाला है। अच्छा भाजी की एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी भी हो सकती कभी भी। अच्छा लड़कियों की जब शादी होने वाली होती है ना, स्पेशली जो मैरिड फ्रेंड्स हैं वो बड़ा सिखाती हैं ना, अभी जीजा जी के साथ ना थोड़ा भाव कम देना उनको। पाजी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मैरिड है, आशीष नेहरा है जी, भज्जी पाजी की अभी भी शादी हुई है, उन्होंने कोई आपको सलाह दी है कि भाई आप भी एक्टर से शादी कर रहे हैं तो इन इन चीज़ों का ख्याल रखें? अलग अलग तरीके की सलाह मिलती है। अच्छा, जब अपसेट होते हैं तो कोने आके बोलते हैं शादी मत करियो कुत्ता बन जाएगा। जैसे हरभजन सिंह की शादी, पाजी आपको पता है कि हमने कितनी धक्के मार मार के उनकी शादी कराई। तो एक टाइम फिर आपकी फिर ऐसी उम्र भी निकल जाती है, फिर आपसे कोई शादी भी नहीं करता। आपकी शादी होगी? नहीं, मेरी अभी उम्र निकली नहीं है। आपको आपने भज्जी की शादी पाजी जबरदस्ती क्यों कराई? मतलब शादी इस करके क्योंकि भज्जी बहुत फ्लक्चुएट करता था कि शादी करूँ या ना करूँ। अच्छा, क्रिकेट ये वो, तो मैंने कहा भाई तू शादी कर ले, अब देख तू बांधता तो पकड़ी है, अब किसी को और पता लग गया कि बाल कितने बचे हैं। तो ये ना होते थे कोई शादी करे। तो फिर मैंने उसको बोला कि अब ये दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू, 7 से 10 साल हो गए इकट्ठे, अभी तो पापा बन गए भज्जी, अभी पापा बन गए, बड़ी बड़ी तेजी की स्पीड पे पापा बने। भज्जी भाजी कॉन्ग्रेचुलेशन। बज दूसरा। अच्छा आप सब गवाह हैं यूवी पाजी की वो दमदार बैटिंग हम कभी नहीं भूल सकते, जब इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारे थे। उससे पहले इनका एंड्रयू फ्लिंटॉफ का कुछ ना कुछ तो आपस में बातचीत हुई थी जो आज तक हमें पता नहीं चली क्या हुई थी, बता ही दो पाजी क्या हुआ क्या था। अब जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो गाली गलौज कई बार हो जाता है, बिकॉज ना एग्रेशन हो जाता है। तो मैंने उनको 2 चौके मारे, अच्छी बॉले थी वो, तो उनको आई थिंक खराब लग गया, तो उन्होंने मुझे कुछ बोला कि बेकार, थोड़ा गलत तरीके में बेकार शॉट्स। तो मैंने वापस उनको बोल दिया कि बेकार तरीके में तू यहाँ से चले जा। तो उन्होंने मुझे बोला मैं तेरा गला काट दूंगा। गला काट दूंगा? हाँ। तो मैं क्या बल्ला देख रहा है, बल्ला मैं तेरे तेरे मार देंगा। हाँ। अच्छा यूवी पाजी इतने खतरनाक प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि मुझे मुथैया मुरलीधरन से डर लगता है, ऐसा क्यों पाजी? उनकी एक तो बॉलिंग बड़ी खतरनाक थी जी, ऊपर से शक्ल
और ऊपर ऊपर से एक्सप्रेशन शहरी पा के साथ तो वो काफ़ी खेले, मेरे तो रिटायरमेंट उनकी रिटायरमेंट टाइम शुक्र है कि उनकी रिटायरमेंट हो रही है। काम है मतलब उसको मुरली से डर लगता है, मुरली को मुझसे डर लगता था। अच्छा शहरी पा बहुत छक्के खाते थे और हमारे छक्के छुड़ा देता था मुरलीधरन। हाँ अच्छा तो बेसिकली आपको एक्सप्रेशन से भी डर लगता था कि जब वो बॉल फेंकने आते थे। अच्छा क्रिकेट की बात चल रही है तो सचिन सर का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। पाजी आपने एक बार ये प्यार देखिए, सचिन सर आपको लोग कितना करते हैं और आप है कि हर बार मुझे मना कर देते हैं, बट हम डीट हैं, हम लगे रहेंगे बिकॉज वी लव यू। पाजी आपने एक बार फ्लो फ्लो में उनको क्या ग्रैंडपा बोल दिया था? किस हिसाब से, मतलब वो रन्स के हिसाब से या उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से? एक्सपीरियंस के हिसाब से, रन भी इतने, एक्सपीरियंस भी इतने। मैंने उनको गॉड फादर बोला था, मीडिया ने ऐसी ग्रैंड फादर बोल दिया। तो बाद में आपने एक्सप्लेन नहीं किया? मैंने तो बाद में किया, मैंने उनको बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला। वो कहते हैं मुझे पता तूने क्या बोला है, तो तेरे भी बड़े नाम है लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। आइए यूवी पाजी प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, ढेर सारी बातें करेंगे युवराज सिंह से। अच्छा मैंने एक चीज देखी पाजी, आप सब लोग क्रिकेट इंडस्ट्री से जितने भी लोग आते हैं ये बेबाक बोलते हैं, क्योंकि ये उसका नतीजा भी है कि आपस में आपकी दोस्ती बड़ी अच्छी है और एक स्पोर्ट्समैनशिप है आपके अंदर। एक इंटरव्यू में ना यूवी पाजी ने कहा था कि मुझे भी आम आदमियों की तरह गैस होती है। तो चलो ग्राउंड में तो ठीक है पाजी, सब दूर दूर खड़े नहीं पता चलता, विकेट कीपर को पता चलता है। विकेट कीपर तभी विकेट कीपरों ने हेलमेट लगाने शुरू कर दिया। नहीं पर वहां खेल के मैदान में जब फास्ट बॉलर आता है ना गैस ऊपर चढ़ जाती है, मैं बता रहा हूँ तुझे, कोई गैस वैस को भूल जाता है। मेरे को लगता है प्रेशर से कई बार बन भी जाती है। अरे चलो ग्राउंड में तो सब दूर दूर होते हैं सिवाय विकेट कीपर के, जब आपस में ग्रीन रूम में बैठे हो कभी तब कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए तो आप मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं कि मैं ही था वो आदमी, या आप किसी जूनियर को डांट देते हैं कि बिहेव योरसेल्फ? एक्चुअली बज्जू ये करता था, जैसे ही करता था ओ की कर रहे हैं यार। तो आई थिंक दिस वाज ये एक बज्जी का एक्ट था, बट कई बार हम दोस्तों के बीच में हम प्राउडली कहते हो यार मैं ही हूँ, आप भी तो कई बार करते हो गए तो कहते हो गए यार सेट पे नहीं हो, मतलब माइक नहीं लगा तो आ नहीं आती, तो प्राउडली यू से कि इट्स बाय यू, तो वो ड्रेसिंग रूम में तो हम प्राउडली बोलते हैं कि अब कई ये लड़कों की बात बड़ी अच्छी लगती है भाजी मुझे। हाँ। आपस में लड़कियां कभी नहीं मानती। बिल्कुल आई टोटली। तूने वैसे ये गैस की पीएचडी की हुई है पूरी? मैंने की नहीं भाजी, मैं ना एक बार मेरे कॉलेज की बात है। हाँ। मेरा एक दोस्त था उसको काम खराब कर रहा था वो। हाँ। तो उसने क्या क्या इंस्टॉलमेंट्स में फिनिश किया। हाँ। 10%, 15%, 20%, 25%, लास्ट में जब मेन बचा ना 35%, तो वो फिर कंट्रोल नहीं होता, वो फिर क्रच करके हो गया। अच्छा इसकी भी वैरायटियां होती हैं, तीन तरीके की होती हैं ये। ये एक तो होता है जो साइलेंट डेथ होती है, और एक होती है जो खाड़ थाड़ फाड़, उसको भैंसा सुर कहते हैं, भैंसा सुर। और थर्ड थर्ड था बच्चों, या फिर खद्दर पाड़, मतलब खद्दर फट गया। नेशनल टीवी पे बैठ के एक इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल आदमी कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा यूवी पाजी आपने इतने साल हो गए आपको क्रिकेट खेलते हुए, सभी क्रिकेटर्स के साथ आपकी दोस्ती भी है, सबको अच्छी तरह से जानते हैं, कौन है टीम में जो सबसे ज्यादा दिल खोल के पार्टी करता है, खर्च भी करता है जेब से? पार्टी तो सब दिल खोल के करते हैं पर खर्च कोई नहीं करता। खर्च कोई भी नहीं करता टीम में, कोई तो होगा तो आप। मैं थोड़ा खर्चा जहीर थोड़ा करता है, बाकी कोई नहीं खर्चा करता। अच्छा खाली एंजॉय, बाकी बड़े कंजूस हैं। हाँ वो पादो पादो, मतलब बाद में कहते जब बिल देने का टाइम आता यार वॉलेट भूल गया अपना।
अरे भाई, ऐसा कौन है जिसे आप सालों से जानते हैं, काफी सालों से, और आज तक उन्होंने कभी एक रुपया नहीं खर्चा किया? दादा 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 नहीं नहीं नहीं, मैंने दादा नहीं बोला, चेहरी मारे बोला, मैंने नहीं बोला। बड़ा बदमाश है, मेरे कंधे में बंदूक चला रहा। मैंने कुछ नहीं बोला। क्या ढूंढ रही है? चूहा रोटी लेके तेरी? Excuse me, मैं पापा को ढूंढ रही हूँ। अच्छा, पापा रोटी लेके भागा है? Hi, Yubi. Hello. आप आ गए, मुझे लगा मुहूर्त वाले टाइम पे आने वाले थे, लेकिन एनीवेज, आपने कुछ खाया पिया है कि आप ऐसे ही बैठे हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ पानी मिला, खाने को कुछ मिला नहीं। अच्छा, इन लोगों का जब खुद खाने का दिल करता ना, हमारे मेहमानों से पूछने लगते हैं ताकि हम उनके लिए कुछ मंगवाया तो बच्चा कुछ ये खा ले, भुक्कड़ कहेंगे। तब्बो, आज आखिरी दिन है, तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ भी बोलना है बोल दो। एक बार मैं तुम्हारे हाथ से निकल गई ना, तब तुम खुद ढूंढते रहोगे सल्ला कहाँ है, सल्ला कहाँ है, और फिर मैं तुम्हें मिलूंगी नहीं। तुमने देसी दारू नहीं पी आज? नहीं। ये फालतू की बकवास बातें क्यों कर रही है मेरे साथ? अच्छा, रोज मैं काम की बातें करती हूँ। वैसे Yubi, मैं कैसे लग रही हूँ? बहुत सुंदर। मैं बताता हूँ, बरसात में कभी बिल्ली भीगी हुई देखी तूने? खबरदार, अगर तूने मेरी बेटी की तारीफ करके उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो। पापा, आप कहाँ चले गए थे? पता है, मैंने आपको हर वाइन शॉप में जाके ढूंढा। वैसे मैं कैसी लग रही? ऐसे लग रहा है जैसे परी को जॉन्डिस हो गया। सिर्फ परी कहती तो चलता। नहीं, मैं चलता, लेकिन मेरे को ऊपर वाले को बाद में मुंह भी तो दिखाना है ना। ओह, व्हाट अ क्रिकेटर। हाय, अजी बैठी रख सर, बैठी आराम से बैठ के बात करिए। बैठी भाई, इनको ज्यादा ही मेरे ऊपर गिर जाते तो मैंने हाथ पकड़ा हुआ था। कोई बात नहीं। आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी। नाइस टू मीट यू। BMC। ये कौन सी डिग्री है? बड़ा मशहूर चाइल्ड डॉक्टर। और ये अकेली डिग्री नहीं है मेरे पास, आई एम LBW आल्सो। ओह, LBW मतलब? देखो, इतने बड़े क्रिकेटर का इंटरव्यू ले रहे हैं, कितने महान क्रिकेटर सामने बैठे हैं, LBW का मतलब ही नहीं पता। क्या फायदा ऐसे आदमी का? LBW डिग्री कौन सी होती है? डिग्री LBW है ना, लार्ज बड़ा विस्की आउट। Congratulations to you. Thank you. For your engagement. Thank you. पर मैं कहना चाहूंगा एक चीज आपको। आपने सुना ही होगा कि अंग्रेजों से भारत की आजादी हुई, लेकिन 70 साल बाद आप इंडिविजुअली अंग्रेज के गुलाम होने वाले हैं। एक्चुअली Yubi, आप अगर अपनी नजर आसपास दौड़ाते तो इंडिया में भी एक से एक लड़कियां हैं, आई मीन मेरे जैसी। आपको पता नहीं है Yubi, 20-25 जगह मेरी बेटी के रिश्ते की बात चल रही है साइमल्टेनियसली। इनको भरोसा नहीं है ना कि एक जगह पे करेंगे हाँ होगी। आपको पता पाजी, ये आदमी हर जगह से राशन उधार लेके आता है, वो जब पैसे मांगते हैं ना, बेटी का रिश्ता ऑफर कर देते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी राशन वाला, मैं तो कहता हूँ वाइन शॉप वाला, पान शॉप वाला, सबसे बात चल रही है। पर मेरे को लगता है भी 2-4 दिन में बात पक्की हो भी जाएगी। अभी पापा, अब किसके मुंह लग रहे हैं? हम Yubi यहाँ पे, हम मशीन का उद्घाटन करवाते हैं Yubi से। ओ हाँ, उद्घाटन भाई, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, जल्दी करो, अभी उद्घाटन करते हैं। मैं सामान लेकर आती हूँ। सामान ले आओ बेटा। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले भाई ये मैं थोड़ा सा, ये पकड़ो बेटा, तुम मेरे को समय नहीं आ रहा, मुहूर्त करना, आप ये पकड़े। ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये मैं बैरिकेटिंग कर रहा हूँ, यहाँ बैरियर लगा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि कोई फालतू आदमी मुहूर्त के टाइम अंदर ना आ जाए यहाँ पे। रस्म रीति रिवाज
पूरे होंगे। ये आप इन्हें पहनाइए, चलिए। किन्हें? इन्हें पहनाइए, भी मुहूर्त है। किस चीज का मुहूर्त? मुहूर्त है। पर मेरी तो पहनाइए तो हो रही है। नहीं, ये तो गलत। एक मिनट। हाँ जी। हार तो गेस्ट को पहनाया जाता है, तो वो इनको क्यों पहनाएंगे? वैसे भी आजकल कौन पूरे रीति रिवाज फॉलो करता है? आप पहना दो बेटे। आप पहना दो पहले। आप पहना दो पहले। पहना 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 पहना। चलो आप भी पहना दो, बेटी है, खुश हो जाएगी, छोटी सी तो है। चलिए मशीन का बटन दबा दीजिए। मशीन का बटन दबा दो। कौन सा? लाल? ग्रीन? ग्रीन, लाल नहीं, ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन। एक चक्कर लगा लो, मशीन देख लो। हाँ, यूवी मशीन देखो। मशीन का चक्कर, मशीन चेक करो, मशीन देखो। दोनों पति पत्नी, अब सिद्धू साहब और मेरा आशीर्वाद ले लीजिए। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आपने धोखे से शादी करवाना है युवराज की? ऐसे थोड़ी शादी होती है, सात फेरे होते हैं शादी में। देखो, अगर टिक नहीं हो ना तो एक फेरे में टिक जाती है शादी। एक मिनट, बेटी ससुराल जा रही है। ससुराल से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। Never, पापा, never. तीन चार घरों में काम करती है, कभी शिकायत नहीं आई, नहीं आएगी। इससे पहले मैं रो पड़ू, खुशी का म्यूजिक बचा। युवराज, आप जैसे घटिया खानदान में शादी करेगा? एक सेकंड, घटिया खानदान किसको बोला तुमने? किसको? हमको बोला बेटे। अरे तू दोबारा बुलवा के क्यों बात को अंडरलाइन करवा रही है? होगी बात कंफर्म। लेकिन हेलो, अब हम घटिया नहीं रहे, पहले होते थे मानते हैं, क्योंकि अब हमने ये मशीन ले लिया। ये दो कौड़ी की मशीन लेके आप, मतलब आपका दो कौड़ी की नहीं है। इस मशीन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्या है? एज अ डॉक्टर आई वांट टू शो यू द टेक्नोलॉजी। देखिए आपके ससुर जी के पास क्या कमाल की मशीन है। ससुर जी? ससुरा भी कह सकते हैं। As a doctor, I want to show the wonder of this machine. Please push the button. Aye sir, aap aye please. हाँ, UV please. आ बेटा. ये चुनी झाड़ दे. दे 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 दे. Green button. दे. 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 लाल लबड़ी पापा, अरे कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया?
बड़े श्रिंक हो गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? इनको लेके जा, गमले में लगा, रोज पानी देती रहना, लंबे हो जाएंगे। चलिए आप भी, बहुत बहुत मुबारक आपको, शुक्रिया। एक बार यू बाजी के लिए जोरदार ताली हो जाए। बाजी बैठिए प्लीज। जो युवराज की बेटर हाफ हमारी होने वाली भाभी जो है हेजल, वो भी यहाँ पे आएंगे। कहाँ रह गई भाई? आजा, 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 आजा। देख, देख, गप्पू, गप्पू, देख मैं किसे लाई हूँ। हेजल, वो हेजल। अरे जीती रहो, जीती रहो। और सामने देख, वो जो बैठे हैं ना, वो मेरे बॉयफ्रेंड है। हेलो। नमस्ते जी। जोरदार तालियां। हेजल प्लीज आइए यहाँ पे, विराजमान हो जाइए। अरे युवराज भी आया है। कैसे हो यू बाबा? ठीक हूँ। नहीं नहीं, वो तो पुरानी बातें। तूने बताया नहीं मुझे युवराज आने वाला है? हाँ तो मिठाई आए तो मक्खियों से बचाने पड़ता है। माफ करना, मैं कोई लोकल मामूली मक्खी नहीं हूँ जो किसी भी मिठाई पर बैठ जाऊं। अजी मेरी नजर तो बस पंजाबी पिन्नी पर है। गुड चॉइस, बेस्ट चॉइस। तू ज्यादा मत उठ, तू भी तो पंजाबी है। मैं तो छोटी पिन्नी हूँ, बड़ी पिन्नी उधर है। मेरी बच्चे आज तू यहाँ आई है तो मैं ये मौका नहीं जाने दूंगी अपने हाथ से। जल्दी से मुझे बता, क्रिकेटरों को प्रपोज कैसे करते हैं? क्योंकि मैंने भी है ना मोहब्बत के पीच पे प्यार की गुगली फेंक कर किसी को क्लीन बोल्ड कर देना है। ओके आंटी। आंटी बोल, कॉल मी ए पुष्प। ए पुष्प। फिर हाँ, सबसे पहले एक रोज ले लीजिए। मैं तो दो रोज लेती हूँ। एक टाइपिंग का, दूसरा टिकी का। रोज रोज गुलाब। हाँ जी गुलाब, गुलाब जी गुलाब। ऐसे बोल लो गुलाब। तू कर अच्छा अच्छा, अब इसका क्या करूँ? उसके बाद घुटने पे बैठिए। मेरा नहीं आंटी, नहीं उसका भी नहीं। फिर किसके? खुद का। खुद के? हाय हाय, ये क्या रोमांस हुआ? जमीन पे, जमीन पे, जमीन पे भीख मंगवाएगी मुझसे? अभी अभी भगवान से दुआ कर, तुझे सद्बुद्धि दे। तुझे शर्म नहीं आती? ऊपर वाले का नाम लेना चाहिए जिस उम्र में सामने वाले का नाम ले रही हो। क्या करूं, मेरा सामने वाला है ही ऐसा। डरिए मत सिद्धू साहब, डरिए मत। तो और क्या करूं? जो मोहब्बत डरती है वो मोहब्बत नहीं, अय्याशी है, गुनाह है। जुग जुग जियो, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, लवली इनिंग्स। ओके लवली इनिंग्स। थैंक यू, थैंक यू। एक बार हेजल के लिए जोरदार तालियां। हर तरफ फैल गई चांदनी, महफिल को रोशनी से भर दिया है। वाह, खुदा ने युवराज को बड़ा प्यारा हम सफर दिया है। वाह, बड़े बड़े गेंदबाज भी जो करिश्मा नहीं कर पाए, आपकी आंखों की गुगली ने उसको क्लीन बोल्ड कर दिया। यू गॉट हेजल, व्हाट ही सेड? आई अंडरस्टूड आंखों। अंडरस्टूड आंखों, वही काफी है, आंखें काफी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यूवी बाजी ने अपना जो है फैशन ब्रांड यूवी कैन जो स्टार्ट किया है, पर जब आप हेजल से पहली बार मिले थे तो आप इनकी ड्रेसिंग सेंस से ही बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। पहले तो इन्होंने 3-3.5 साल तो शक्ल नहीं दिखाई अपनी। मतलब मिलने को बोला काफ़ी बार, तो 3.5 साल तक मना कर दिया मिलने को। अब जब 3.5 साल के बाद एक्चुअली मुलाकात हुई तो मैंने इनको जा मिलने के लिए बोला,
अच्छा तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो ये चल रही थी। अच्छा तो मुझे लगा कोई लड़का चल रहा है। ऐसे क्यों? क्योंकि चाल ऐसी है ना। She was walking like this. That's the first time I saw her. तो उसके बाद मुझे लगता है, मैंने कहा हाँ ये सही है, ये बिल्कुल लड़कियों वाली हरकत नहीं है इसकी। उसके बाद फिर मैंने कपड़े देखे। अच्छा तो मैंने कहा कपड़े रहने देता हूँ, इनकी शक्ल की तरफ ही देखता हूँ, शक्ल काफी प्यारी है। तो आंटी को कैसी हेजल पसंद आई? बहुत बहुत पसंद आई। उन्होंने बोला कि तू एक लड़के से शादी कर रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ तेरे। हेजल जब आप युवराज से मिली, आप पहले से इनकी फैन थी? मतलब तीन साल, आपने कहा कि साढ़े तीन साल मिली नहीं, तो कैसे बात क्यों होती थी फिर? पहले बार जब हम मिले थे जी, बस ऐसे कूल आदमी ऐसे आ गया हाय बोलने के लिए आया। अच्छा एक्चुअली मैं क्रिकेट कभी देखी ही नहीं। अच्छा तो आपको नहीं पता था युवराज क्रिकेटर है? मैंने बस उसका नाम सुना था, जैसे धोनी का नाम सुना था, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना था, पर क्रिकेट तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ओके बस जब वो छे छक्के मारा तो बस टीवी ऑन थे और मैं ऐसे क्या फर्क पड़ता है। बड़ी प्यों प्यों के मार रही है तेरे। भाई घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आपको इसलिए युवराज अच्छे लगे कि उन्होंने छे छक्के मारे? आपको गुस्सा नहीं है आप ही की कंट्री के आपके ही भाई बंधु को मारा है उन्होंने छे छक्के? इंग्लिश के साथ खेले थे। तो ये भी आपको फर्स्ट टाइम पता चल रहा है। देयर इज अ गाय इन इंग्लैंड, एंड्रयू फ्लिंटॉफ। हां ही मेड हिम ऑफ। तो अंग्रेजी की इज्जत क्यों लुट रहे हैं? गुड कॉम्बिनेशन। ही ऑलवेज मेड फन ऑफ माय इंग्लिश बट ही डोंट नो आई एम गुड। अच्छा हाँ हेजल कहानी तो बताई नहीं आपने, उसके बाद फिर क्या हुआ? आपको मिलने आए, हेलो किया और आपको अच्छे लगने लगे? ऐसे कुछ नहीं, वी हैव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा तो जैसे अगर मैं कहूंगी चलो हम कॉफी के लिए पीते, आदमी हो मुंबई में कुछ और सोचते हैं। बाजी आप मानो ना मानो, ये हेजल आपकी लाइफ में आई ना, ये एंड्रयू की साजिश है कि इसने मुझे छह छक्के मारे थे, अभी जाके आपके छक्के छुड़ाने वाली बाजी। तो फिर आपने कॉफी के लिए बोला तो फिर? तो जब मना बोलते हैं ना वो थोड़ा गुस्सा होता है, उसका ईगो ऐसे ऐसे वैसे चलता है, तो मैंने उसको मना नहीं बोला, मैंने बस बोला हाँ, फिर मैंने फोन स्विच ऑफ किया था। इसका मतलब होता है ना। पर ना नहीं बोला, पर ना भी नहीं बोला। तो मतलब पसंद आ गया आपको हमारा भाई युवराज? नहीं ऐसे तो कुछ नहीं। तो फिर मेन बात कब हुई? मैं वही तो पूछने जा रहा हूँ, आपने फाइनली पसंद कब आए? जब शादी के लिए प्रपोज किया था तब आपको लगा कि ही सीरियस? नहीं सीरियस पर सीरियस तो मैंने रियलाइज किया था, पर उसी वक्त मैंने बस ऐसे बोला ठीक है तुम ठीक लगता है हम देखता है। तुम ठीक लगता है हम देखता है। हर हर मेरी अंगूठी बस। अच्छा वैसे आप देखेंगे ना अगर युवराज पाजी को, ये जिनके फ्रेंड्स हैं लेकिन ज्यादातर जल्दी किसी के साथ खुलते नहीं। पाजी हेजल के साथ कैसे खुल गए फिर आप? पहले तो ये मौके ही दिया ना खुलने का, पहले तीन साढ़े तीन साल मैंने इनको मिला, मैंने उनसे बात की, मेरे को अच्छा लगा इनसे मिलके, तो मैंने उनको बोला कि अगर हम मिल सकते हैं कॉफ़ी के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ जरूर। तो फिर सात या आठ बार इन्होंने हाँ जरूर कह के और इसी बोला फ़ोन बंद कर दिया। तो उसके बाद मैं काफ़ी देर से मिला नहीं। अच्छा तो फिर मैंने इनको बोला कि मुझे एक बीमारी हो गई है, तो मैं बोला गुड लक। You have misquoted me. No, wait. You said your version, now this is my version. So, उसके बाद मैंने कहा ये लड़की बड़ी अजीब सी है, तो मैंने इनको डिलीट कर दिया। अच्छा तो फिर उसके तीन साढ़े तीन साल बाद फेसबुक पे ये मेरे एक कॉमन फ्रेंड के साथ दोस्त थी,
अच्छा तो मैंने उनको बोला कि तुम कैसे जानते हो इनको, तो बोला मैं इनको मिला हूँ जानता हूँ, तो मैंने कहा दूर रहे। उसने बोला दूर क्यों, मैंने कहा ये इसने मुझे 3 साल तक घास नहीं डाली और ना ये मुझे मिली, ये लड़की पता नहीं क्या समझती अपने आप को, मैं इस दूर है, मेरे को शादी इसी लड़की से ही करनी है। क्या बात है। तो उसके बाद इन्होंने मुझे वो फेसबुक पे ऐड किया। अच्छा तो मैंने वो एक इमोटिकॉन होता है हाथ जोड़ने वाला, तो मैंने वो भेजा, मैंने कहा थैंक यू आपने 3.5 साल बाद मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की। तो उसके बाद ये मुझे फिर क्या लगा, चल तू 3.5 साल तूने वेट किए, चल मैं तुझे मिलती हूँ। तो फाइनली जी प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। नहीं, प्रपोजल का एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके, अभी तक हुआ नहीं है, मतलब 3.5 साल इन्होंने वेट किया, 2 महीने मेरे को हो गए पूछते हुए, अभी तक मतलब बात वहां तक पहुंची नहीं है, स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ रही, कमाल हो गया। 3.5 साल के बाद इन्होंने 1 साल मुझे और चने चबाए। अच्छा उसके बाद जाके इन्होंने हाँ बोली, चलो थैंक यू। पंजाब वाले खुश हो गए, हमारी इतनी प्यारी बहू आ रही है, इतनी खूबसूरत बहू आ रही है। अच्छा हमने तो देखा नहीं मोमेंट, पर आपके फैंस जो हैं वो मोमेंट देखना चाहते हैं कि कैसे आपने इनको प्रपोज किया था। तो जोरदार तालियां। जी हाँ भाई और बहनों, अभी आप देखेंगे युवराज सिंह लाइव प्रपोज करेंगे हेजल को। गिव मी अ ड्रिंक, डोंट गिव मी अ हैंड। भागो मत, कम यार बाल तो ये नहीं बताए, बाल तो आप ही कम दिखता है, भागो दे वो ही पैशन क्रिकेटर वाला, कम यार। तो फर्स्ट टाइम जब मैं आई वेंट टू प्रपोज टू हर, मैं उंगली भूल गया था। तो मैंने इनको पूछा कि कौन सी उंगली है, तो उन्होंने बोला कि व्हाट डिड यू से, आई सेड लेफ्ट, यू सेड लेफ्ट बट इट्स एक्चुअली राइट, नो नो इट्स लेफ्ट, इट्स लेफ्ट। सो We did this for 5 minutes. So it's this finger, right? हाँ जी. So I asked her that, will you marry me? तो पहले पूछ लिया. So will you marry me again? I guess so. So sweet. आइए. अच्छा पाजी, हेजल के अलावा आपको बॉलीवुड की कौन सी हीरोइन जो है वो सबसे खूबसूरत लगती है? मुझे कोई नहीं खूबसूरत लगती. मुझे सिर्फ हेजल खूबसूरत लगती है। झूठ बोल रहा है, झूठ झूठ बंदे को अभी भी डर है, झूठ बोल रहा है कि नहीं नहीं बड़ी मुश्किल से ये सब हुआ। हेजल वैसे अगर मान लो अगर आप कहीं दोनों पार्टी में जाते हो, आई एम जस्ट आस्किंग, कोई लड़की आके यूवी पे लाइन मारना शुरू कर देती है तो आप क्या करेंगी? अब तक तो काफी ऐसे एक्सपीरियंसेस तो हो गई है। तो क्या किया फिर आपने? मैं बस 2 स्टेप पीछे खड़ी रहती हूँ और देखती हूँ, एंजॉय कर। मुझे बस देखना यूवी क्या करेगा। तो फिर आप छुप छुप के देखते हैं यूवी क्या करते हैं? हाँ। ठीक रहते हैं? मुझे हाँ जरूरी बोलना पड़ेगा। चलो पाजी, बहुत प्यारी बीवी आपको मिली है, आपको कुछ नहीं कहती है। अच्छा जब ये दोस्त मिलते होंगे, इनके सारे दोस्त तो तकरीबन क्रिकेटर्स हैं, तो जब ये सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं तो ये क्रिकेट की बातें करते होंगे, तो आप इनकी बातों को एंजॉय करती हैं कि बोर होती हैं आप? वो मेरे सामने तो क्रिकेट की बात शुरू नहीं करते हैं। अभी आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों नहीं पूछता इनको क्रिकेट के। क्यों? क्योंकि मैंने इनको बोला, उन्होंने बोला कैसा चल रहा है आपका दिन, तो मैंने बोला हमारे 30 पे 4 आउट है। ओह माय गॉड, सो हैप्पी फॉर यू। I'm so happy for your team. I'm like, thanks, Hazel. I'll speak to you after the game. Then I had to go and Google and I'm like, oh. Actually, बजी बजी के साथ भी हुआ था ना, कह रहे थे कि मैं आउट होके बाहर आ रहा हूँ और गीता को दिखाई नहीं दे रहा, बहुत बड़ा स्टेडियम है, तो मैं आउट हो रहा हूँ और वो चीयर्स कर रही है, बजी। कहते फिर जब मैं पूरा ग्राउंड खत्म हो गया ना, मन करता क्या कर रही है, बेइज्जती करा रही है। कभी आप मैच देखने गए यूपी का लाइव? हाँ
मैंने आईपीएल के लिए गई थी, उसके बाद मैं कुछ और मैच गई थी देखने के लिए. इंडिया का था T20. इंडिया की तरफ से खेलेंगे. इंडिया तो होगा ही ना. अच्छा, जब आप कभी मैच देखने जाती हैं तो यू भी अच्छा परफॉर्म करते हैं कि आपसे मिलने के चक्कर में जल्दी जल्दी आउट होकर बाहर आ जाते हैं? Well, वो पंजाबी मुंडा है ना, थोड़ा पजेसिव होता है, तो वो जल्दी खत्म करते हो बाहर आता है. मैंने बहुत सुना है कि वो काफी टाइम के लिए बैटिंग करते हैं, पर अब तक तो देखा ही नहीं. वो कहावत है ना, शादी का लड्डू खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ. अभी तो लड्डू हाथ में, अभी खाया नहीं आपने. हेजल, यूवी बाजी, यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको बेस्ट विशेस देना चाहते हैं. तो जो भी हमारे दोस्त बात करना चाहते हैं वो एक एक करके अपने हाथ खड़े कर सकते हैं. जी जी सर. मैं कृष्णा इंदुरकर नांदेड़ से हूँ. मैं भी मेरे गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ. मेरा भी अभी मैरिज होने वाला है जल्दी. अच्छा, तो पूछना था कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? बहुत सारी टाइम से बोलती है कि रिचार्ज चाहिए, मुझे रिचार्ज करना है. तो क्या रिचार्ज करना है? मोबाइल रिचार्ज. तो सर, और दूसरे दिन देखता हूँ तो रिचार्ज खत्म हो चुका रहता है. मेरे भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. अभी तो आगे आगे देखता जा क्या क्या रिचार्ज करना पड़ेगा. फिर कभी कभी बहुत सारे टाइम से बोलती है सर कि शॉपिंग चलना है, और खींच के लेके जाती है और 4-5 घंटे शॉपिंग करती है. मुझे खड़ा रहना पड़ता है और बाद में पता चलता है कि कुछ भी नहीं लिया. और कभी कभी एक आधे दो चीज़ें लेती है और वो भी बाद में फेंक देती है. हैं? तो ऐसे भी होता है सर कभी. शादी से पहले एक बार चेकअप करा दो. तो मतलब आपके भी ऐसे कहने का मतलब कि हेजल शॉपिंग के लिए आपको मजबूर करती हैं, तंग करती हैं, यही पूछना चाहते हैं आप? शॉपिंग के लिए बिल्कुल तंग नहीं करती, वॉलेट से क्रेडिट कार्ड उठाती है और चुपचाप चली जाती है. थैंक यू भाई साहब, शुक्रिया जी. और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब. हाय एवरीवन, आई एम दिशान फ्रॉम जर्मनी. जर्मनी? यस. ओ मैन, माय शो इज इंटरनेशनल. थैंक यू. अच्छा, आप जर्मनी से आए, वहां आप भी वहीं पे पैदा हुए हैं, पला पले बड़े हैं? नहीं, पैदा तो अफगानिस्तान में हुआ, लेकिन आप एक जगह टिकते क्यों नहीं, मतलब क्या? आप बेसिकली इंडियन हैं आप? जी. ओके, तो पैदा अफगानिस्तान में हुए? जी. पर हिंदी बड़ी अच्छी बोलते हैं आप. थैंक यू, शुक्रिया जी. आपका क्या सवाल है? यूवी सर, स्पेशली जो शादी वाली रात होती है, जो स्पेशल नाइट होती है, आपके लिए एक एडवाइस देनी है. हम पे भी गुजरी है. वो जो दोस्त होते हैं और रिलेटिव्स होते हैं, उस दिन में बहुत तंग करते हैं. बिल्कुल पूछो मत. एक छोटा सा एडवाइस देना है जी. अगर आपको ये स्पेशल नाइट थोड़ा सा, आई मीन मैडम और आप एंजॉय करना चाहते हैं, तो पहले से कोई स्पेशल लोकेशन, कोई स्पेशल सीक्रेट लोकेशन चूज कर लेना. आपको क्या लगता है, यूवी ने अभी तक किया नहीं होगा? ये पर आपने एक बात सही कही, हालांकि अब मुझे पता नहीं मेट्रो सिटीज में जो शादियां होती हैं, पर एक्चुअली पाजी मैंने जितनी अपने देखी हैं शादियां, रिश्तेदार जाते नहीं शादी वाले दिन. खत्म हो गया, डोली आ गई, अब जाओ यार. 3-3 बजे तक रात को प्रात में डाल के ना पानी हो, ये ढूंढो. अच्छा, दूल्हा ढूंढ तो रहा होता, उसका दिल करता है कि मैं पकड़ के ना मुंह दे दूं किसी का, तो खिला रहे हैं ना कि जाओ, अपना काम खत्म हुआ तुम लोगों का, रंग में भंग डाल रहे हो. आपके शादी को कितने साल हो गए आपकी को? 1 साल. 1 साल हो गया जी. ओके, चलो, कैसी मैरिड लाइफ गुजर रही? अच्छी? बहुत सुंदर. हाउ स्वीट. भगवान आपको हमेशा खुश रखे. थैंक यू जी. और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब. जी विलेन. अरे वाह यार वाह, तिरछी टोपी वाले. शुरुआत में तो आपने पहले ही एक प्लान कर रखा है कि ऐसे मैनेज कर लेंगे, लेकिन उसके बाद दिक्कत शुरू होगी सारी. दिक्कत क्या होगी? जैसे मुझे टोपी पहना के लाई है आपकी बीवी. क्यों? देखो ना, अब शुरुआत में तो शादी से पहले तो आपने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के मार दिए थे, और शादी के बाद तो फिर आपको सोचना ही पड़ेगा छक्के मारने के लिए. माइक आपसे पकड़ने जा रहा है, वो भी पकड़ा रही है. सोचो आप कितने हेल्पलेस हो रहे हैं. बीवी ने शादी से पहले टोपी पहनाई थी? अब बाद में पहनाई है ना, अभी उससे पहले जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे. अभी तो बहुत टोपियां चेंज हो गई. ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने इनको टोपी पहना दी है. बहुत खुश हैं, बच्चे हैं हमारे दो, और क्या कहते हैं,
लाइफ बहुत अच्छी होती है. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर कमिंग. कहाँ से हैं? गुड़गांव से. गुड़गांव से जी सर. अच्छा अच्छा, तो बच्चों को नहीं लेके आए आप? बच्चों को नहीं लाए, उनका एग्जाम थे सर. जानबूझ के नहीं लाए, तीसरे की प्लानिंग तो नहीं कर रहे? मनाने आए. क्या करते क्या है गुड़गांव में भाई साहब आप? सर लेडीज सूट की शॉप है सर, शॉपिंग करते हैं और सूट लाते हैं इनके लिए. नहीं तो आप, आपकी खुद की दुकान है तो आपकी दुकान से नहीं लेती? भरोसा नहीं, नहीं, नहीं देता हूँ. बिल्कुल, एक एक सूट यहीं से लेती हूँ. मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी नंदे सब यहीं से लेती हैं. और कहीं से नहीं लेते. हाँ फ्री में और कौन देगा. एक एक चीज यही ला के देते हैं. हाउ स्वीट. स्लीपर, बिंदिया, हर चीज यही लाते मेरी. और मेरे को बहुत 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 खुश रखते हैं. पर फिर तो बहुत अच्छे हस्बैंड है आपके. बहुत बहुत अच्छे हैं. और शायद यूवी भी बहुत अच्छे बनेंगे. और आपकी बीवी बहुत अच्छी है सर. एक ही है आपके पास? इकलौती बीवी होंगी. चलिए भगवान आपका प्यार बनाए रखे. शुक्रिया. और संभाल के अरे बस ए रिंकू संतोष, ये किसकी खटिया उठा के लाए तुम लोग? अरे तो बाजू में रैली चल रहा था, वहां से लूट के लाए. रिंकू संतोष, याद आया मेरी नानी का फोन का बिल बहुत ज्यादा आ गया है, मुझे वो ठीक कराने जाना है. अच्छा देखा, हमारे आते ही नानी याद आ गया. देखो तुम लोग सिटी केबल का प्रोग्राम है ना जो, वो शुरू करो मेरे आने से पहले, ठीक है? पाजी एक सिटी केबल के लिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये लोग होस्ट करेंगे, आप इनका थोड़ा साथ देना. अगर कोई गलती करते तो बॉल समझ के मुंह पे बैट मारना, कोई चक्कर नहीं. तंग नहीं करना मेरे मेहमानों को. अरे नहीं नहीं कभी नहीं. चलो फटाफट लगाओ. हमारे साथ हॉट सीट पर हैं युवराज सिंह, और इधर बैठे हैं एक्सपर्ट हेजल, और साथ में हमने एक एक्स्ट्रा एक्सपर्ट बिठाया हुआ है संतोष. ये बैठी ही रहती हैं, खड़े होने में इनको 3 आदमी लगता है. चलिए शुरू करते हैं आज का खेला. तो पहला सवाल आपके लिए ये रहा. हेलो. अच्छा मैं भाई मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा. मुझे तुम्हारा सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आया. मेरा दिल कर रहा है मैं जवाब लिफाफे में डाल के इसके मुंह पे मारूं. पसंद क्या नहीं आया, अभी तो हमने सवाल पूछा ही नहीं है. मेरे से पूछ भी नहीं सकती थी. मेरे से कोई कुछ नहीं पूछ रहा था. मैं आपको बताता हूँ, बचपन में एक बार मेरे मास्टर ने मुझे पूछा, कहता भारत की राजधानी कहाँ है. अगले दिन लोग पूछ रहे थे मास्टर कहाँ है. अरे यार ये हाथी तोलने वाली मशीन कौन रखे उधर. हमारा नाम संतोष है सर. अच्छा बेटे, जितना गंदा मुझे तुम्हारा मुंह लगा तुम्हारा नाम उससे भी गंदा है. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया. ये हेजल बहुत प्यारी बच्ची, बहुत ज्यादा पसंद आई. युवराज सिंह, युवराज सिंह के लिए जोरदार तालियां. मैं सिद्धू साहब ये युवराज सिंह है, इन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के मारे थे. और युवराज ये सिद्धू जी है, 1990 में वकार यूनुस ने इनको 0 पे आउट किया था. मुझे वकार यूनुस की यार तूने एक ही मेरा मैच देखा है, वो 0 पे मैं आउट हुआ, तू एक ही देखता रहता है यार. मैंने वो सीडी बना के रखी हुई है, मैं हर रोज देखता हूँ. मैंने कहा कभी तो मारोगे आप, हर बार 0 पे आउट होते. मेरे को खुद नहीं आई, मेरे को वकार यूनुस की बात पसंद नहीं आई. यहाँ पर जितना लोग खेले में है वो काफी है, हमको एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत नहीं है. अच्छा खुद तू एक्स्ट्रा इनिंग की तरफ फैली हुई है. मैंने तेरे को कहा कुछ? अच्छा आपकी जयमाला जब होगी कहाँ डालोगे, गला तो है ही नहीं है. बहुत जोरदार अपमान कराया है, जोरदार गालियां इनके लिए. ठीक है कोई बात नहीं, हमसे जो कहना चाहते हैं हमसे कहिए, लेकिन हमारा रिंकू भौजी के चेहरे पर आप कभी थूकिएगा नहीं. कहाँ थूक रहे हैं, तू आइडिया दे रही है थूकने का. अच्छा आपने की मुझे ये बात बड़ी पसंद है, एक मिनट इधर देखिए. अच्छा मैं, मेरा ये सरकार से अनुरोध है, ऐसे मुंह वालों के पायदान बनने चाहिए. आदमी गुस्से में 3-4 बार पैर साफ करके चला जाए. बेटे मैं कह रहा हूँ आत्थू. बेटे मैं, मेरे को कल जुकाम था, अगर कल आप मुझे मिलती ना मैं आप पे नाक फेंक देता. मुझे पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा खराब मुंह है बेटे.
यार। गेम शुरू करते हैं। पहला सवाल 50,000 रुपया की। जिंदगी 4 दिन की है तो टेस्ट मैच 5 दिन का क्यों होता है? आपके ऑप्शन है, टेस्ट मैच के बाप का राज है, बी टेस्ट मैच की माँ का राज है, सी टेस्ट मैच के चाचा का राज है, या टेस्ट मैच के राज का सिमरन। टेस्ट मैच का राज का सिमरन है। इनमें से कोई सही जवाब है क्या? मैंने पहले कहा था जिसका मुंह ही गलत है उसका सवाल कैसे ठीक हो सकता है। मुझे बेटा आपका चेहरा पसंद तो दूर की बात है, मेरे को वॉमिटिंग हो रही है। मेरे वॉमिटिंग हो रही है, मैं बहुत मुश्किल से रोका हूँ बेटे। मुझे आपका चेहरा इतना गंदा लगा है, मैं तो कहता हूँ बेटे एक गिलास डीजल गर्म करके पी लो। इसका जवाब है म्यूजिकल जवाब है, वो हम म्यूजिक में देंगे। जिनके है 4 दिन सजनो, अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ये ब्रेक के स्पॉन्सर हैं यूविके। एक मिनट पहले डिसाइड कर लो जाना कहाँ है तुम्हें। ये तो चंद, ओए चंदू, ये तो चाय वाला अपना। ओ हेलो तमीज से, ओ मेरी बात सुनो, आई एम मॉडल। ये मॉडल बन गया, हमारा तो इंसानियत से विश्वास ही उठ गया। देखिए अरोड़ा साहब, मैं यहाँ पर यूवी के कपड़ों की ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे को मॉडल रखा हुआ है। अरे वाह कमाल, अभी हमने तो इस बारे से नौकर भी नहीं रखा, आपने मॉडल रख लिया। भाभी जी मैंने आपको कहा था मुझे आपका चेहरा नहीं पसंद आया, वो बात मेरी बिल्कुल ठीक थी, पर इसका चेहरा मैंने देखा आप मुझे मैडोना लगनी शुरू हो गई। अच्छा पाजी चलो, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन ये मडोना लग रही है, इसको बाहर 10 मिनट गर्मी में खड़ा करो, अंदर से ना जिम कह रही निकल तो मुझे पकड़ लेना। यूवी जी मानना पड़ेगा, आप जो कपड़े बनाए हैं बहुत अच्छे हैं, मतलब ऐसा आदमी भी इन कपड़ों में अच्छा लग रहा है, वरना ये आदमी सिर्फ एक चीज में अच्छा लगता है, वो है हेलमेट। और मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारी सूंड कहाँ पे है? मुझे बड़ा मजा आया, ऐसे हमारे उधर पानी के टैंकर आते छोड़ के जाते। मॉडल तुम चलो यहाँ से, ब्रेक खत्म हो गया, चलो। चलिए ब्रेक के बाद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हम कुछ कर भी नहीं सकते आपका। तो अब अगला सवाल बताइए, क्रिकेट में ये इशारा किस चीज का होता है? हम भी काफी क्रिकेट देखे हैं, ऐसा इशारा कभी नहीं देखे है, कौन सा है? मेरे को पसंद नहीं आया, सवाल ही पसंद नहीं आया। मेरा दिल कर रहा है तुम्हारी उंगली अपने नाक में ले लूं मैं। नहीं एक मिनट वही रुको, पिछले 8-10 साल से मैं कॉमेडी देख रहा हूँ। इस 10 सालों में अगर कोई सबसे नंबर 1 कैरेक्टर है तो वो अरोड़ा साहब है, मुझे बहुत पसंद है। पर मैं आपको पसंद आया, पर मेरे को 1990 में मेरे को बहुत बुरा लगा जब आप जीरो पे आउट हो गए। चुप, नहीं मैं एक बार और बोलूंगा फिर मार रहा है। पर मेरे को बहुत गुस्सा आया था कसम से, मैंने वकार को वकार बोलना बंद कर दिया मैंने। अच्छा चाचा होगा तेरा बाप। अरे यूवी को गेस करने दीजिए प्लीज। आउट नहीं, आउट का तो होता है, किस चीज का इशारा होता है? अरे कहाँ, हम तो कभी नहीं देखा है ये इशारा, कौन सा इशारा है, कहाँ होता है? अरे कर्द होता है इशारा, सिद्धू साहब हमको देख कैसा इशारा करते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर नहीं होता, मैं लगा क्रिकेट का है, पर्सनल है तो बात और है। अगला सवाल 1 करोड़ रुपया के लिए, 9 बॉल में कितना बॉल होता है?
ऑप्शन सुन लीजिए, दो बाल डैंड्रफ वाला, एक सफेद बाल, साल्ट एंड पेपर मतलब काला सफेद मिक्स, या कोई बाल नहीं गंजा इसका पति। आप चाहें तो एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं, हमारे पास पाइपलाइन भी है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। चार पाइपलाइन है, 50-50, 20-20, फोन ए फ्रेंड, क्या करना चाहेंगे देख लीजिए। फोन ए फ्रेंड, फोन ए फ्रेंड करना चाहेंगे? मुझे फोन ए एनिमी करना है। मेरे को एक मेरे मन में है, मैं वो निकाल कर रहूँगा, मेरे को बहुत गुस्सा आया था, मैं उसको फोन करने लगा हूँ आज। वकार यूनसर, हेलो हेलो वकार, मुझे उन्होंने मारा, मेरे से लगा तुम्हें मुझे बड़ा पसंद आया। थोड़ा और निशाने पे आता तो जेंट्स बन जाते हैं, पता है। वकार यूनस, मेरे को तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं पसंद आई, हिम्मत आ तो फोन उठाओ। देखिए साहब, आप आउट ऑफ फील्ड बात कर रहे हैं, हम अंपायर से कह के आपको आउट करवा देंगे। अच्छा, मेरे को खुद अंपायर से बात करनी है, मेरे को पूछना है पाजी, जब मौसम खराब होता है मैच रद्द हो जाता है, जब मुंह खराब है प्रोग्राम रद्द क्यों नहीं हो रहा है? चलिए इसी बात पे हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इसके स्पॉन्सर हैं यू वीकेंड। मुझे तुम्हारी मॉडलिंग बिल्कुल नहीं पसंद आई। मैं सिर्फ बता दूं आपको, मैं उस दिन हाईवे पे जा रहा था, एक पेड़ पे बंदर उल्टा लटका हुआ था। अब आप सोच लो मैं क्या कहने वाला हूँ। नहीं नहीं, आपने आपने ज्यादा गलत सोच लिया, इसका मुंह बंदर की पीठ जैसा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मुंह शुरू से ऐसा था कि बचपन में कोई इंजेक्शन रह गया था? मैं एक बात बताना भूल गया, कल तू जब मेरे से पानी लेने आया था। हाँ जी आया था। और मैं बाथरूम में था। हाँ जी। मैंने पता बाथरूम से पानी कहाँ से दिया था? आप गलत सोच रहे हैं, मैंने टूटी से दिया था। और वो पानी मैंने मुंह धोने के लिए थोड़ी मांगा था, वो तो आपकी चाय बनाने के लिए मांगा था। ब्रेक खत्म हो गया, निकल ले। ब्रेक के बाद अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चीयर लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? इस सवाल का ऑप्शन नहीं है, ये हमारा पर्सनल चॉइस है, हम बनना चाहते हैं चीयर लीडर, डांस करना चाहते हैं। देख लीजिए हमको, आप चाहें तो दोनों बैठ के हमारा ऑडिशन भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी देख लीजिए, हेजल जी आप कह दीजिए कि बेस्ट है चीयर लीडर। ये चीयर लीडर बन गई ना, लोगों ने टॉस खेल के कहना मैच खत्म। साहब कोई मेडिसिन है आपके पास? मेरा मूड खराब हो गया देख के। अगला सवाल 5 करोड़ रुपया के लिए। क्रिकेट में वाइड बॉल कितना वाइड होता है? आपके ऑप्शन है ए इतना, बी इतना, सी इतना, या डी इतना। चाहें तो एक्सपर्ट हैं हमारे पास, एक्स्ट्रा एक्सपर्ट हैं, उनका राय भी ले सकते हैं, हम बता रहे हैं। देखिए क्रिकेट में जो वाइड, इतना बड़ा फिलोसफर क्या बन रही है, सीधा बोल। क्या बेटा जल्दी करो, तुम्हारा गोबर करने का टाइम हो गया है।
चलो बेटे चलो जल्दी करो। क्रिकेट में जो वाइड बॉल होती है वो इतना वाइड होती है। ये तो ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन तो है तू करी है, फर्क है ऑप्शन ही नहीं है ये वाला। तो ऑप्शन के बाहर निकल के ये जवाब है, ये ऑप्शन गलत है, इनका कुछ आता थोड़ी इनको। हमारा ऑप्शन गलत है, 5 करोड़ रुपया ऐसा ही बांट रहे हैं। हमारा ऑप्शन गलत है, रहने दी, पैसा किधर है आपके पास? ऑप्शन गलत है आपके पास, इधर पैसा किधर है? गलत है, अरे रुकिए अभी तेरा, देखिए देखिए हमारे पास क्या है, देखिए बेटे मेरी बात सुनो, देखो हेलो हेलो, देखो लड़ाई नहीं करनी, अरे ए ए देखो बेटे मेरे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, देखो अगर किसी ने हाथ लगाया मेरी बेइज्जती हो जाएगी, एक मिनट, अरे देखिए हमारे पास। एक बार हेजल और युवराज के लिए जोरदार तालियां। पाजी बहुत मजा आया आज आप दोनों के साथ। पाजी हमारे शो की एक परंपरा है, हमारे जो यहाँ पे गेस्ट आते हैं हम लोग उनको एक खूबसूरत सा मोबाइल गिफ्ट करते हैं, तो सर आप आइए, जरा आइए आइए, आपको बहुत टोपी पहनाई है आपकी वाइफ ने आपके लिए हमारी तरफ से खूबसूरत, हाँ टोपी पहन के आइए 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 मैडम, आप भी आइए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अजी आप भी, और ये एक यूवी कैन की तरफ से एक बड़ा ही प्यारा सा गिफ्ट आपके लिए भी है, पाजी आप अपने हाथों से दीजिए, शुक्रिया, थैंक यू सर, जोरदार ताली एक बार हो जाए। और पाजी जाने से पहले एक सेल्फी हमारे साथ, हम भेजें थैंक यू। अच्छा यूवी पाजी, यूवी कैन के अगर हमने जी कपड़े खरीदने हो तो ये कहाँ से मिलेंगे? ये हमारी दो कलेक्शंस है, वन लिमिटेड एडिशन और जो कोर कलेक्शन है, दोनों अवेलेबल है मिंत्रा पे ओके और ywcfashion.com। तो इसका स्टोर मैं चाहता हूँ कि पहले मैं चंडीगढ़ शहर में खोलूँ ओके जो कि इस साल के एंड में आएगा, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा करें। पाजी आपने यूवी कैन के माध्यम से बहुत ही अच्छा एक यू नो बीड़ा उठाया है आप, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि लाखों करोड़ों जो आपके फैंस हैं उनकी दुआएं आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप ऐसे ही अच्छा काम करते जाइए अपनी हमारी सोसाइटी के लिए, और वी आर प्राउड ऑफ यू पाजी, लव यू, थैंक यू हेजल, थैंक यू, और आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी आने वाली जिंदगी के लिए, बहुत जल्दी शादी करने जा रहे हैं और शादी के बाद ये तीन लोग आएंगे हमारे शो पे। और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।